जीटी सपोर्टर प्रोसीडिंग आई एम लॉयल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज वृंदा नाथ वी रियली हैप्पी फॉर टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो सो गाइस टुडे इज 9th ऑफ मे एंड मे को ना पूरी रात भर ऐसे सोच के ना एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ RCB वर्सेस MI का मैच देखने के लिए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि द विराट कोहली को मैं लाइव देखने वाली हूँ. ओ माई गॉड आई एम सो एक्साइटेड यार. और मैं स्टेडियम में भी पहली बार मैच देखने जा रही हूँ तो आई एम सुपर एक्साइटेड. जस्ट फॉरगॉट टू पुट माई लेंसेज ऑन एंड नाउ दिस इज द हालत. व्लॉगिंग इन अ लिफ्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ और हमारी ट्रेन छूट जाएगी एंड माई स्पीड इज लाइक ट्रेन बहुत ही फास्ट. मैंने बोला है अभी हम चर्च गेट पहुंच गए हैं और हमने ले ली है RCB की टी शर्ट और अभी हम जा रहे हैं. पूछते हैं घर वाले किस साइड है और वो बोल रहे हैं MI का लगा दूंगा. वो अपना धंधा कर रहा है, मैं इसको जगह पूछ रहा हूँ. इट्स मुंबई RCB. भाई कितना एक्साइटमेंट हो रहा है ना सीरियसली. देखो भाई हमारी शक्ल में देखो लाइव मैच देखने वाले. आई एम सो एक्साइटेड भाई विराट को लाइव देखने का. भाई बंदा बोलता है कि अगर कोई इंजर्ड हो तो विराट इंजर्ड हो जाए. RCB सपोर्टर होके बोलते हैं कि कोई इंजर्ड हो तो विराट. वर्स्ट टू वर्स्ट अगर दिन खराब जाए तो क्या हो. वर्स्ट टू वर्स्ट इंजर्ड भी विराट हो भाई. वर्स्ट टू वर्स्ट नहीं के लिए विराट 100 तो मारेगा तुझे बस भाई. और एक बात मैंने नोटिस की है कि मैं RCB फैन होके ब्लू कलर के कपड़े पहन भाई बदल के आ जा. वो भी बदल इसको बोलते क्या ट्राई है ना. मेरा 18 तेरा 20 भाई क्या ब्लू ब्लू लगा रखा है भाई. हम तो किंग को देखना है भाई. किधर है किंग. विराट ही है भाई. क्या वाइब लग रहा है अंदर घुसते ही लिटरली मस्त एकदम ब्लू ब्लू एकदम. बट मैं तो बट हमें क्या मतलब भाई. हम तो विराट का एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट. ओ हेलो दर्द तो हुआ रहेगा. नेक्स्ट साल का अपना जीटी सपोर्टर भाई प्रोसीडिंग आई एम लॉयल. ना क्या आए हम ऐसे लग रहा है मुझे. सो आई जस्ट रीच्ड होम एंड मतलब एकदम अलग एक्सपीरियंस था यार सीरियसली. मतलब एक बार तो लाइफ में ना स्टेडियम में मैच देखना ही चाहिए सबको. मतलब थोड़ा दुख हो रहा है कि RCB हार गई और अब वो फाइनल में नहीं जा पाई इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है. और वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि जब whatever. बट ठीक है मैंने व्लॉग बनाने की बहुत कोशिश की है पर आई गेस इतनी ज़्यादा अच्छे से आवाज़ नहीं आई होगी आप लोगों को. बट आई ट्राइड क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो इतना ज़्यादा क्लीन आवाज़ नहीं आ रही थी. बट आई ट्राइड. और भाई विराट के लिए अलग अलग टाइप की मतलब अलग ही क्रेज था लोगों में विराट के लिए. सीरियसली नॉट किडिंग किसी और प्लेयर के लिए इतना क्रेज़ नहीं था जितना विराट के लिए था. एंड
हमारी सीट्स इतनी ज़्यादा अच्छी थी लिटरली हमको, हमारे नीचे जस्ट अनुष्का शर्मा बैठी थी एंड शाहिद कपूर, मीरा कपूर दोनों बैठे थे और विराट भी बहुत ही पास से दिख रहा था यार, मतलब एकदम बेस्ट सीट्स मिली थी हमको। एंड यस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल ट्राई टू ब्लॉग मोर सच वीडियोज़। So stay connected. Bye.